हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय महाकाल। तो हम गलगोटियाज के सामने खड़े हैं और आज संडे है तो पूरा मतलब यूनिवर्सिटी आज बंद है। और यहाँ देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ से ये ताज हाईवे है, ये यहाँ से आगरा की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पे ये हैंडीकैप हैं जो कि चॉकलेट बिस्किट और ये गुटखा सिगरेट वगैरह सब कुछ रखते हैं, मास्क भी रखते हैं, तो इनसे बात करते हैं। हेलो भैया जी। सर और बताओ। बढ़िया सर, क्या चल रहा है? काम धंधा थोड़ा तेज चलो, तेज बोलो, तेज काम धंधा ढीला चल रहा है। अच्छा, तो क्या कितना कमा लेते हो डेली का? भाई यही है कि अब कुछ कमाई हो ही नहीं रही, तेल का पेट्रोल खर्चा केला पड़ता है, तो काम ढीला होगा बहुत। 3 साल आप ये हैंडीकैप हो और कहाँ से आते हो आप? मैं धनकौर की लास्ट से। आप धनकौर से आते हो यहाँ पे और ये करते हो, क्या आपका बिक्री होता है बढ़िया से यहाँ पे? लड़के आते हैं, खरीदते हैं आपके पास से? खरीदते तो है, लेकिन अब काम ग्राहक इतना लगता नहीं, ग्राहक कम है। आज संडे है, बहुत ज़्यादा धूप है, लू भी चल रहा है और आप यहाँ इतना मेहनत कर रहे हो, करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो कैसा लग रहा है? भाई ये करना तो होगा, तो जब ही खाना होगा। तो कुछ अनुभव बताओ जीवन का, क्या कुछ कहना चाहते हो लोगों के लिए? लोगों के लिए यही है, लोगों के लिए क्या बताऊँ, मुझे अपने लिए नहीं कुछ हो रहा था, लोगों के लिए क्या बताया? कुछ तो बता सकते हो ना, इतना मतलब जीवन देखे हो, ये हो रहे हो, तो कुछ तो अनुभव होगा आपके अंदर। देखो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, देखो जितनी पब्लिक है, जितनी जनसंख्या है, ये टाइम सामने जो परेशानी लोगों ने होती है, तो उस परेशानी को देखते हुए अपने धीरे बनाए और अपने काम काज जो संभाले, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अपने मन लगा कर अच्छा से पढ़ाई करें, बस यही मेरी समझ। और आप इतना मेहनत करते हो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज के मतलब मेहनत करके कमा रहे हो, हैंडीकैप होते हुए भी। बहुत लोग रोड पे इधर उधर मांग के खाते हैं और आपको मतलब हमें भरोसा है कि आप अच्छा कर रहे हो और करोगे। चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कमा के खाना, हम कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें ऊपर वाले की मर्जी है क्या देता क्या नहीं देता, हम उसी में गुजारा करते हैं जितना भी देता। बहुत अच्छा सोच है आपका। और ये यूनिवर्सिटी के लड़कों से गुजारिश करूँगा मैं कि यहाँ से आप ही के पास से लोग खरीदें और खाएं पिएं, बाकी जो है आप अपना कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गाना वाना भी गाते हो? नहीं सर, मैं गाना वाना तो नहीं गाता, लेकिन सर ये कभी कभी जो दुकान नहीं, मैं आपका गाना सुना हूँ, गुनगुनाते हो आप, आपका थोड़ा गा के कुछ सुनाओ। अरे गुरु जी क्या गुनगुनाया, अब काम चल नहीं रहा, जब मन दुखी होता है जब गाते हैं, देखिए अब गाने भी दिल नहीं कर रहा, जो बात है। थोड़ा सा गा दो, थोड़ा सा गा दूँ यार, क्या गाऊँ, मेरे पास तो मुझे कुछ भी गाओ, अभी तो गा रहे थे, अभी गाया था, क्या अभी गा दूँ, कुछ भी गा दो यार, अब तो बहुत क्या रफड़े में डाल दिया जो भी है यार। ये फिल्म थी धर्मेंद्र की, मुझे बहुत पसंद है, पहल का फिल्म से गाना। अच्छा, तो आप धर्मेंद्र के फैन हैं? जी सर, मैं धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन का ही फैन। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी के भी? हाँ, ये दोनों हीरो मुझे पहले से ही पसंद है। अच्छा, इन्हीं के गाने ज्यादातर मैं गाता रहता हूँ और ये मेरी अच्छी बात। ये धर्मेंद्र पहल का फिल्म में गाना गाया था, जो बीत गया कल वो आज नहीं आएगा, किसी दिल में आएगा, यही गाना था केवल, जो मैं भी गा रहा था। अच्छा, हाँ। तो थोड़ा अच्छे से गाइए। अरे नहीं यार, अब ये शर्मा रहे गाना गाने में, शर्मा रहे मन अंदर से दुखी हो जा रहा है इंसान, जब मन लगाने के लिए गाना कभी भी गा लेता, तो नहीं मन लगाने के लिए, अब आपकी बातों से मन लग गया तो गाने गाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बात है, मन लगा गा लेते हैं, लेकिन हमारी बातों से ये बहुत खुश हो गए हैं और हमारा काम ही है सबको हंसाना। जो हिमादल इन लोग सब्सक्राइब करिए और देखिए इनको सपोर्ट करिए आप लोग, ये बेचारे यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो दुकान से ना खरीदिए, इनके पास से खरीदिए। ये हैंडीकैप होते हुए भी यहाँ आके आप देख सकते हैं और यहाँ आके इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लोग इनके पास से खरीदिए ताकि इनका भी घर परिवार अच्छा से चले। ठीक है, नमस्ते।